सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को मैक्रम के फ्लावर हैंगर का एक बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए बिल्कुल ईजी स्टेप है। बस सिंपल स्क्वायर नॉट से ही तैयार होता है, आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फ्लावर हैंगर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे येलो और पिंक कलर का मैक्रम कॉम्बिनेशन लिया है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे मोती लिया है कुछ, और दो तरह का रिंग लिया है। एक छोटा रिंग है 1 इंच का, ये ऊपर में हैंग होगा और इससे हम छोटा सा बास्केट बनाएंगे, और लाइटर और सीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4 येलो कॉर्ड और 4 पिंक कॉर्ड लिया है और 4 8 कॉर्ड है यहाँ पे, और ये सब सारे कॉर्ड को मैंने यहाँ पे 4 4 मीटर कट किया है। पहले हम 2 येलो कॉर्ड अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारे कॉर्ड को अटैच कर लिया। अब हम यहाँ पे 4 कॉर्ड लेंगे और उसमें एक मोती लगाएंगे सेंटर के 2 कॉर्ड लेकर के, और यहाँ पे हम 7 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे 7 टाइम्स। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ एक तरफ 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लिया है। सेम ऐसा ही हम इधर भी करेंगे। ये येलो वाले पे भी हम 7 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट लगा करके डिजाइन तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों तरफ 7 7 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लिया है। अब हम यहाँ पर सेंटर का 2 कॉर्ड लेंगे, ये वाला येलो और इधर का येलो, और इसमें हम यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे। एक मोती लगा करके हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। खींच लेना है। अब फिर से अब हम साइड का 2 कॉर्ड है और बीच का 2 कॉर्ड लेंगे, और ये 4 कॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे ये जो बीच का 2 कॉर्ड है इसमें हम एक मोती लगा करके नॉट लगाएंगे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे। अब फिर से यहाँ पे फ्रेंड्स 2 नॉट हो गया है। अब दोनों के बीच का जो कॉर्ड है वो लेंगे और ऐसे हम यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे 2 कॉर्ड लेके। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक येलो ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको ऊपर कर लेंगे इस डिजाइन को, और यहाँ पे हम जितना नॉट हमने यहाँ लगाया था 7 टाइम्स उसका डबल मीन्स 14 टाइम्स नॉट दोनों में लगेगा। सेंटर का 2 कॉर्ड लेंगे, उसमें एक मोती लगा करके, और यहाँ पे 14 टाइम्स सिंपल स्क्वायर लगाएंगे 14 बार।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 14-14 टाइम सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लिया है। अब हम येलो वाले को ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, और यहाँ पे पिंक वाले डिजाइन को ऊपर कर लेंगे। और जैसा हमने यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे। पिंक में भी दोनों कॉर्ड का फर्स्ट कॉर्ड लेकर के एक मोती लगा लेंगे। अब फिर से यहाँ पे हम दो कॉर्ड लेंगे और इसमें एक मोती लगा लेंगे। दो यहाँ पे हो गया है। अब हम फिर से ये दो कॉर्ड लेंगे, इसमें मोती लगा लेंगे। तो इस तरह से ये पिंक ब्लॉक बन गया है। अब फिर से अब हम येलो वाले डिजाइन को अब आगे कर लेंगे और इस डिजाइन को, पिंक वाले डिजाइन को ऊपर कर लेंगे। और यहाँ पे हम फिर से 14 टाइम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे, दोनों तरफ 14 बार सिंपल स्क्वायर नॉट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 टाइम्स मैंने दोनों तरफ स्क्वायर नॉट लगा लिया है। अब फिर से हम पिंक वाले डिजाइन को इस तरह से ऊपर करेंगे और यहाँ पे हम येलो वाले डिजाइन बना लेंगे। सेंटर का दो कॉर्ड लेकर के मोती लगा करके ऐसे ही ब्लॉक कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये येलो ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से यहाँ 4 कॉर्ड लेंगे और यहाँ 4 कॉर्ड लेंगे और 14 टाइम्स दोनों तरफ सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। अब हम इसको ऊपर करेंगे और यहाँ भी सेम करना है, 14 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। फिर इसको इस तरह से नीचे करके इसको और पिंक वाले को ऊपर कर ये वाला ब्लॉक यहाँ बनेगा। सेम इसी डिजाइन को हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, जितना लंबाई आपको डिजाइन चाहिए उतना तक हम इस डिजाइन को बना करके तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हाफ इस तरह से ब्लॉक बना लिया है। ये वाला डिजाइन देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजाइन है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने येलो कलर का 7 टाइम्स दोनों तरफ नॉट लगा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, 7 टाइम्स नॉट लगाने से ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, इस कारण से हम यहाँ पे येलो में हम 2 नॉट और लगाएंगे। 7 की जगह हम यहाँ पे इसको बराबर मिलाने के लिए 2 नॉट और बढ़ा लेते हैं। ये जो तीनों डिजाइन है वो एक बराबर पे आ गया है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे 2.5 इंच का जो रिंग है बास्केट बनाने के लिए उसको अटैच करेंगे। पहले हम सारे कॉर्ड को 1 बाय 1 करके पाइप इन कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे कॉर्ड को 2.5 इंच के रिंग में इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम आगे में कॉर्ड को अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉर्ड कट किया है। येलो कलर का मैं ले रही हूँ, आप चाहें तो पिंक भी ले सकते हैं या दोनों कलर का कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं। और यहाँ 1.5 मीटर का कॉर्ड लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 12 कॉर्ड, टोटल 12 कॉर्ड अटैच किया है। अब हम यहाँ पे 4 कॉर्ड लेंगे और इससे नॉट लगाते जाएंगे। यहाँ हम कोई मोती नहीं लगाएंगे क्योंकि मोती लगाने से क्या होगा, मोती तो लगेगा लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर हम हैंग करेंगे तो उससे मोती ढक जाएगा। इसके कारण हम यहाँ पे मोती नहीं लगाएंगे, बस सिंपल सा बास्केट बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक राउंड नॉट पूरे में हो गया है। अब हम यहाँ 2 नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए सेकेंड लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह से हम पूरा बास्केट तैयार करेंगे 2 नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए। दो राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड भी हम सेम ऐसा ही करेंगे, 2 नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए थर्ड लाइन कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह से हम 2 नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए और फोर्थ लाइन इसी तरह से हम 8 से 10 लाइन, 8 से 10 लाइन तक हम बना करके इस डिजाइन को तैयार कर लेंगे। एक बास्केट की तरह इसको हमको पूरा गोल बुनना है, आगे पीछे सब एक जैसा। इसी तरह से 2 नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए बास्केट बना करके एक हाइट तक तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 राउंड लगा करके ये बास्केट पूरा कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पे पिंक कलर का एक कॉर्ड लेंगे 1 मीटर का और यहाँ पे हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। आप चाहे तो इसको गोल गोल घुमा के इसको पाइपिंग भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बास्केट जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पे जितना सारा कॉर्ड है इसको हम एक बराबर पे एक हाइट पे कट लगा लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आगे आगे की तरफ सिर्फ बेल्स लगा लिया है। अब हम यहाँ ये ऊपर का रिंग है इसको कवर करेंगे। इसको कवर करने के लिए यहाँ पे वेस्टेज में से ही हम एक मैक्रम का कॉर्ड लेंगे 1 मीटर के अराउंड। एक सिरा इसको मेल्ट करके यहाँ चिपका लेंगे। अब एक बार रिंग के ऊपर से और एक बार रिंग के नीचे से, फिर रिंग के ऊपर से, रिंग के नीचे से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये बहुत ही सिंपल और इजी सा, बिल्कुल जल्दी में बनने वाला और बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है बिगनर्स के लिए, मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, सुंदर है, इजी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और फेसबुक पेज पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।